स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग वर्ड पावर मेडिजी का सेशन 25 करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन है और बिल्कुल इजी वे में हम लोग इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे और बहुत ही इजी वे में सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए, पहला हमारा जो आज का वर्ड रूट है वो है मेरा टैसियो, मतलब होता है टू बी साइलेंट, चुप रहना, ठीक है? तो उसमें इस वर्ड रूट से तीन वर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे, टैसिटन, टैसिट और रेटिसेंट, ठीक है? तो जो पहला हमारा वर्ड वर्ड है टैसियो, मतलब इसका मतलब होता है साइलेंट, चुप रहना, ठीक है? तो उस वर्ड से बना है टैसिटन, मतलब कि जो किसी भी कन्वर्सेशन में इंगेज ना होना चाहे, जो चुप रहना पसंद करे, किसी से बात करना पसंद नहीं करे। इससे पहले सेशन में बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझाए भी थे, ठीक है? जिनका बिहेवियर रहता है चुप ही रहना, किसी से बात नहीं करना, और वो किसी भी कन्वर्सेशन में इंगेज होने से बचते हैं, उन लोग ऐसा फील होता है कि हो सके उनका समय बर्बाद है हो रहा है, ये सब चीज़ में इंगेज होना नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो टैसिटर्न मतलब ऐसा पीपल लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी कन्वर्सेशन में शामिल होना नहीं पसंद करते, किसी से जाके बात करना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि चुप रहे। अगर कोई इनसे बात भी करने आए तो भी वो मतलब बिल्कुल नेगेटिव वे में बात करे, ताकि कोई रिस्पांस ना दे, ठीक है? ताकि वो आदमी खुद उससे बात ना करे, ठीक है? टैसिटन समझ में आ गया होगा। अब ये जो रूट नेक्स्ट वर्ड है टैसिट, इसका मीनिंग आप लोग समझ लीजिए। पढ़ने से पहले हम जो उसको समझा रहे एक टैसिट को वो समझ लीजिए, टैसिट क्या होता है, क्योंकि देखिए ये भी टैसियो वर्ड रूट से ही मिलकर बना है। देखिए ये वर्ड रूट है, ठीक है? तो इसका मतलब हम लोग कैसे समझेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक अच्छा एग्जांपल देते हैं कि दो कलीग्स हैं जो किसी ऑफिस में काम करते हैं, मतलब एक मेल है और एक फीमेल है, बहुत सारे कलीग्स हैं, इसमें दो कलीग्स ऐसे हैं जिनका चक्कर चलता है, एक मेल एक फीमेल है। तो अब उस सेंस में हम लोग कैसे समझेंगे टैसिड वर्ड को, कि जब ऑफिस आवर रहता है ना तो वो लोग बिल्कुल एक दूसरे से बात भी नहीं करते। उन लोगों में अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम लोग यहाँ पे ऑफिस टाइम है, ऑफिस आवर है, बिल्कुल ऑफिस आवर की तरह बिहेव करना है, बिल्कुल ऐसा बिहेव नहीं करना है ताकि किसी को हमारे बारे में पता चले। और फिर ऑफिस जब ख़त्म होता है तो फिर वो नॉर्मल वे में अपना आ जाता है, ठीक है? तो उन दोनों के बीच में बिना बोले हुए आपस में कभी वो ऐसा एग्रीमेंट नहीं किए कि हम लोग ऑफिस आवर चुप रहना है, ठीक है, बात नहीं करना है एक दूसरे से। तो मगर वो उन लोग के बीच में एक आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ऑफिस आवर में हम लोग को बात नहीं करना है, ठीक है? तो बिना बोले हुए अगर कोई चीज़ समझ बिल्कुल अंडरस्टूड हो, ठीक है, तो वो होगा टैसिट। और इसको एक एग्जांपल से और समझाते हैं। जैसे कि कोई आदमी मरने वाला, ये नॉर्मल लोग से एग्जांपल है, उसी को हम बता रहे हैं, कोई अपने से खुद से क्रिएट नहीं किए इसको। जैसे कोई आदमी मान लीजिए मरने वाला है और डॉक्टर बता दिया उसको कि ये कुछ दिन में इसमें कैंसर है, ये कुछ दिन में, अब बस कुछ दिन में इनका डेथ हो जाएगा, ठीक है? तो उस समय क्या होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स लोग रहते हैं और वो लोग उन पेशेंट को बताते भी नहीं हैं, उनके सामने जिक्र भी नहीं करते हैं कि तुमको कैंसर, तुम मरने वाले हो, ठीक है? बट सभी फैमिली मेम्बर के बीच में अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है कि इनको ये चीज़ बताना नहीं है, ठीक है? तो टैसिट मतलब क्या होता है कि बिना बताए हुए चुप रहते हुए किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर देना, एक्सप्रेस जो हो जाए, मतलब जिसको बोलने का जरूरत नहीं पड़े फिर भी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उस सेंस में लोग टैसिट यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटिसेंट, ठीक है, रेटिसेंट, तो उसको हम लोग कैसे समझते हैं? इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज किया, ध्यान दीजिएगा कि जो ए है उसको आई से बदल दिया। देखिए यहाँ पे समझा देते हैं, रे और ये डिसेंट। तो यहाँ पे टैसियो वर्ड ही यूज़ किया है, मतलब चुप होना, और इसका मतलब होता है अगेन, ठीक है? तो मतलब इसका कुछ ये जो वर्ड रूट है री, जो प्रेफिक्स लगा हुआ है री का मतलब होता है अगेन, फिर से, ठीक है? तो इसका कुछ खास यहाँ पे मीनिंग नहीं है, तो मगर इसका रेटिसेंट का मतलब क्या होता है कि अगेन चुप रहो, मतलब
चुप रहो चुप रहो चुप रहो, मतलब अगेन चुप रहो, बोलो मत, ठीक है, टू बी साइलेंट अगेन, चुप रहो। तो ये वर्ड को किस सेंस में बनाया गया वो हम आपको बताते हैं। सॉरी, जैसे मान लीजिए कि ये तो हम लोग समझ गए रेटिसेंट का मतलब होता है चुप रहना, ठीक है, तो किस सेंस में चुप रहना होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जो किसी को बताना नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो किसी को बता नहीं रहा है, क्योंकि अगर किसी को बता देगा तो हो सके लड़ाई हो जाए किसी के आपस के बीच में, या फिर वो उसको कोई प्रॉब्लम है। ये दूसरा एग्जांपल दे रहा है, मान लीजिए किसी आदमी कोई प्रॉब्लम है बट वो शर्म के कारण किसी को बताना नहीं चाह रहा है, वो चुप ही रह रहा है, ठीक है, तो उस सेंस में हम लोग रेटिसेंट यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए जनरली स्कूल में क्या होता था कि बच्चे लोग अपने टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते थे क्योंकि एक डर रहता था, ठीक है, तो उस सेंस में भी वो चुप चुप रह गए और फिर से चुप रह गए, सवाल नहीं पूछे, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट डाउट आया फिर भी सवाल नहीं पूछे, तो उस सेंस में भी हम लोग रेटिसेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कि किसी डर के कारण वो फिर से नहीं पूछ पा रहा है, ठीक है, तो रेटिसेंट नॉट विलिंग टू टेल पीपल, ठीक है, अबाउट थिंग ड्यू टू सम रीजन। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग लोकवर, मतलब होता है स्पीक, बोलना, ठीक है। तो पहला जो हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे लोकवासियस, इसका मतलब होता है इसी वर्ड रूट से मिलकर बना है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बिल्कुल देख रहे होंगे आप लोग, इसका मतलब टू स्पीक, तो लोकवासियस मतलब हो जाएगा जो बहुत ही बोलते हैं, ठीक है। तो और हम लोग अब यहाँ पे वर्ड रूट बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे होता है, ठीक है, सोलस मतलब सोल, सेल्फ सेल्फ, ठीक है, खुद से। और नेक्स्ट हमारा वर्ड रूट है वेंट्रीज, ठीक है, वेंट्रीज मतलब है बेली, स्टोमक हमारा पेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि हम लोग ये वर्ड रूट देखिए, कॉन का मतलब हम लोग पढ़े थे विथ, टुगेदर, मगर कहीं कहीं पे हम लोग इस चीज़ को ध्यान देते थे कि कहीं पे सी ओ एम आ जाता था फिर भी उसको हम लोग कॉन लेते थे, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये हमको कल बुक में मिला, नॉर्मल लुइस में ही मिला, कि ये जो कॉन होता है ना ये वर्ड के अनुसार चेंज होता है, इसका जो लास्ट लेटर है मतलब एन, तो अगर मान लीजिए नेक्स्ट वर्ड अगर जैसे शुरू होने वाला है जैसे एन से ही शुरू होना तो कौन रहेगा, जैसे सी ओ एन कौन है, और नेक्स्ट वर्ड ये प्रीफिक्स है, ध्यान दीजिएगा ये प्रीफिक्स है, अगर ये नेक्स्ट वर्ड हमारा एल से शुरू होने वाला है तो एन रिप्लेस हो जाएगा एल से, देखिएगा इस वर्ड में हम देखते हैं यहाँ पे ये वर्ड देखिएगा, क्लियर नहीं दिख रहा शायद, देखिएगा ये वो इस वर्ड को देखिएगा, ये सी ओ एल है बट इस यहाँ पे जो मतलब है सी ओ एन का है, तो हम लोग यहाँ पे सीख क्या रहे हैं कि अगर नेक्स्ट लेटर अगर एल से शुरू हुआ है, ठीक है, तो ये एन रिप्लेस होकर एल से हो जाएगा, ठीक है, अगर ये बी से होता तो ये एन रिप्लेस होकर बी से हो जाता, ठीक है, तो किस सेंस में क्या क्या चेंजेस हुआ है यहाँ पे हम सबका लिस्ट बना दिए है, देखिएगा एन बदल जाएगा एल में जब नेक्स्ट वर्ड हमारा एल से शुरू होने वाला रहेगा, एन बदल जाएगा आर से जब नेक्स्ट वर्ड हमारा आर से शुरू होने वाला रहेगा, एन बदल जाएगा एम से जब नेक्स्ट वर्ड हमारा इसका मतलब प्रेफिक्स जिसके साथ ये ऐड होने वाला है जो वर्ड कौन वो अगर एम से शुरू होने वाला तो एम में बदल जाएगा, और सिमिलर वर्ब में पी और बी से भी होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है विथ टुगेदर, तो सबका मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा विथ टुगेदर, ठीक है। अब जो हम लोग इसमें वर्ड सीखने वाले हैं यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अभी हम लोग दो वर्ड को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, लोकवर और सोलस, ठीक है, तो ये हमारा इसमें सिर्फ हम लोग पहला सोल ले रहे हैं और इसमें, ठीक है, देखिएगा जो हमारा वर्ड यहाँ पे बना है सोलिलोक, सोलिलोक क्वी, ठीक है, सोलिलोक क्वी मतलब ये हमारा सोल सेल्फ आई, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, चलिए ठीक है अब क्लियर है, ये हमारा जो वर्ड बना है सोलू एस ओ एल आई एल ओ क्यू यू वाई, ठीक है, सोलिलोक्वी, इसका मतलब क्या है, सोल मतलब होता है हमारा क्या होता है सेल्फ आई, और इसका मतलब होता है टू स्पीक, मतलब खुद से बात करना, ठीक है, अब हो सके आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं वेंट्री लोक्विस्ट, वेंट्री मतलब अभी हम लोग पढ़े थे स्टोमक हमारा पेट बेली, और लोक्विस्ट मतलब बोलने वाला, तो वैसा आदमी जो अपने पेट से बोलता हो,
ठीक है, वो सोलिलोक्विस्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, मगर हम लोग एक चीज़ हमेशा देखेंगे कि जो बहुत सारे गुड्डा गुड्डी का खेल होता है ना, इसमें एक ऐसे हाथ में लेके डॉल को घुमाता है, खाली उसका मुंह ऐसा ऐसा करता है और लगता है कि वो डॉल बोल रहा है, बट और वो ऐसा बोलता है कि उसका आवाज़ वो अपना जरा सा लिप ऊपर नीचे नहीं करता है, मुंह जरा सा भी हिलाता हिलाता नहीं, ताकि किसी लोगों को पता चले जाएगा उसके मुंह से आवाज़ निकल रही है। वो एक्चुअली पेट से बोलता है विदाउट लिप को, अपना लिप्स को इधर उधर हिलाए हुए, ठीक है। ऐसा मतलब वो बोलता है कि उसका मुंह जरा सा भी नहीं पता चले कि उसके मुंह से आवाज़ निकल रही है, वो पेट से बोलता है, ठीक है। तो उसी को कहता है वेंट्रिलोक्विस्ट, जो पेट से बोले, जी मतलब जो वैसा गुड्डा गुड्डी का खेल में जो गुड्डा को ऐसा ऐसा करके बुलवाता है, ठीक है, तो वैसा वो पर्सन जो गुड्डा गुड्डी खेल खिलाता है और ऐसा बोलता है जैसे लगे कि वो डॉल बोल रही है, ठीक है, तो उसी को कहता है वेंट्रिलोक्विस्ट। नेक्स्ट हमारा कोलोक्वियल, ठीक है, कोलोक्वियल ये हमारा जो वर्ड रूट से बना है, कौन से बना अभी हम लोग समझ गए थे, ठीक है। कौन मतलब टुगेदर और टू स्पीक, बात करना, तो इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं वो बताते हैं। ये एक्चुअली एक बात करने का तरीका है लोकल लैंग्वेज में, हम लोग जैसे आपस में एक दूसरे नॉर्मल जो कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। कौन मतलब टुगेदर, सबको ही हम लोग जैसे बात करते हैं, कौन विथ और टुगेदर मतलब साथ में बात करना, साथ में बात करना कैसे बात करते हैं, बहुत ही फॉर्मल वे में तो बात नहीं करेंगे, इनफॉर्मल वे में नॉर्मल बात करेंगे, हाँ यार कैसे हो, चलो चल रहे स्कूल, फिर पढ़ेंगे, ये समथिंग समथिंग। तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग जैसे एक दूसरे से बात करते हैं, बस उसी वे को कोलोकियल कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर्मल, इट इज़ इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग लाइक इन एवरीडे कन्वर्सेशन। अब आप लोग शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए सरकम, सरकम मतलब होता है अराउंड, ठीक है, जैसे सरकम मतलब होता है अराउंड, ठीक है। तो इसका मतलब हम इससे इससे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड बना है सरकम लोक्यूशन, मतलब स्पीक करना है किसी के, अगर ये बात है तो यहाँ पे स्पीक नहीं करना, इसका चारों तरफ का बात स्पीक करना, मतलब क्या समझ रहा है कि घुमा फिरा के बात करना, जो हमारा मेन मुद्दा है उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल के घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, ठीक है। सरकम लोकेशन मतलब कि घुमा फिरा के बात करना, डायरेक्टली नहीं बोलना, ठीक है। तो अ टॉक अराउंड मेथड ऑफ इनडायरेक्टली और इन अ वे राउंड अबाउट वे, ठीक है, और इन अ राउंड अबाउट वे, मतलब कि डायरेक्टली किसी को बात बोलना है कि जैसे मान लीजिए इसको भी समझाते हैं अच्छे से, कि अगर किसी को किसी एक फ्रेंड को किसी दूसरे फ्रेंड से दिक्कत है तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली इसको नहीं बोल रहा, वो बहुत ही घुमा फिरा के लंबा बोल रहा है कि यार तुम वहाँ गया था, ऐसा सा काम किया, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो वो डायरेक्ट अच्छा नहीं लगा, लोगों को अच्छा नहीं लगा ऐसे बोला। जैसे मान लीजिए कि कोई सबको पिकनिक में गया था और एक दोस्त है थोड़ा सा बदमाश था, वो सबको छोड़ के घूमने निकल गया, अच्छा सा खाया पिया बाहर से, नशा उसा करके आया, ठीक है, तो वो अपना दोस्त को डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि अरे यार तुम वहाँ पे नशा करके गया, वो अच्छी बात नहीं रहा, वो बोला कि तुम वहाँ पे गया था पता है यार सब कोई लोग बोल रहा था ना कि बिल्कुल ख़राब किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, मतलब समझ गए होंगे आप लोग इतना समझाने के बाद कि घुमा फिरा के बात बोलना, डायरेक्टली नहीं बोलना, ठीक है। तो ये सेशन हम लोग का ख़त्म हो गया 25, नेक्स्ट सेशन हम लोग 26 करेंगे, और लग तो रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। और हम अब सोच रहे हैं कि आप लोग का पर डे रिवीजन टेस्ट के लिए कुछ सेशन देना शुरू करें, सेशन अपलोड करना शुरू करें, और थोड़ा थोड़ा सेशन को डिस्कस भी कर लेंगे, मगर ज़्यादा एक्सप्लेन उसमें नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए सारा सेशन तो किया हुआ है, बट टेस्ट के लिए पर डे सोच रहे हैं कि एक एक सेशन करके एक एक सेशन का टेस्ट के लिए वीडियो अपलोड करें, आप लोग टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए क्या रिविज़न है, क्या प्रोग्रेस है आप लोग का, ठीक है, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, थैंक यू।